असफलता इस बात का प्रमाण है कि सफलता के लिए किया गया प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। असफलता इस बात का प्रमाण है कि सफलता के लिए किया गया प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। इसका मतलब साफ है बच्चों, आप पूरे मन से प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर पूरे मन से प्रयास जिस दिन करना स्टार्ट कर देंगे, आपकी फिजिक्स अच्छी हो जाएगी और आप फिजिक्स में सफल हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 6, क्लास 11th की फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 6 में आज हम पढ़ेंगे मेयर्स फार्मूला। ओके, तो हेडिंग लगा दें बच्चों मेयर्स फार्मूला। और मेयर्स फार्मूला का बच्चों बहुत ज्यादा यूज होता है, मेयर्स फार्मूला है ना। क्या होता है मेयर्स फार्मूला या मेयर्स रिलेशन भी कहते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं और इसका यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, है ना। आपने इसके पहले थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5 पढ़ा होगा, जिसमें हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर सीपी और स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस सीवी दोनों के बारे में पढ़ा था बहुत ही डिटेल में जाकर के। और मैंने ये भी बताया था कि सीपी और सीवी ये दोनों 1 मोल गैस के लिए होती है। कितने मोल गैस के लिए? 1 मोल गैस के लिए। ये दोनों ही किसके लिए हैं? मैं यहां मेंशन कर दे रहा हूं फॉर 1 मोल, 1 मोल गैस। यही सीपी सीवी के बारे में बताता है। 1 मोल गैस का जब टेम्परेचर हम राइज करेंगे, 1 मोल गैस मतलब आइडियल गैस की बात करेंगे यहां पे, तो जो राइज करेंगे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में या 1 केल्विन, तो वो स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कहलाता है या एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कहलाता है। तो आप ये भी जानते हैं कि सीपी हमेशा बड़ा होता है किससे? सीवी से। तो मेयर्स ने एक रिलेशन बनाया सीपी और सीवी में। आपको पता है सीपी बड़ा है सीवी से, सीपी बड़ा है सीवी से, तो इनमें जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब सीपी और सीवी का जो डिफरेंस आएगा, मेयर्स ने कहा जो सीपी और सीवी का डिफरेंस आएगा, सीपी माइनस सीवी, ये डिफरेंस उस वर्क डन के इक्वल होगा जिसमें 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर किया जाता है। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन बाय गैस ऑफ 1 मोल, ये होता है, ये मेयर्स ने बताया 1 मोल एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, कॉन्स्टेंट प्रेशर टू इंक्रीज इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर टेम्परेचर थ्रू थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। यही होता है हमारा सीपी और सीवी का डिफरेंस, ये मेयर साहब ने बताया आपको। तो ये वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जान लीजिए। तो हम सीपी माइनस सीवी इक्वल टू हम कह सकते हैं, सीपी माइनस सीवी कह सकते हैं वर्क डन डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 1। अब ये वर्क डन कितना आएगा वो कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन अगर आपको निकालना है डब्ल्यू, तो प्रेशर क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट रहेगा और वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, तो वॉल्यूम में चेंजेस क्या लिखेंगे? डेल्टा वी। क्या लिखेंगे? डेल्टा वी। तो अभी इसको इक्वेशन बना दीजिए। तो बाई इक्वेशन 1, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, और ये जो डेल्टा वी है ये चेंज इन वॉल्यूम है। तो मैंने कहा जब टेम्परेचर टी था, टेम्परेचर क्या था बच्चों? टी। उस समय इस कंडीशन में जो वॉल्यूम था वो था वी वन। ध्यान सुनना, जब टेम्परेचर क्या था? टी था गैस का, 1 मोल गैस का टेम्परेचर जब टी था तो वॉल्यूम था वी वन, और जब टेम्परेचर हमने 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज कर दिया, इसमें इंक्रीजिंग आया तो मतलब टी प्लस 1 हमने कर दिया, इसका
टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसके करेस्पॉन्डिंग में वॉल्यूम होता है वी टू, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, गैस एक्सपेंड हो रही है, वर्क डन बाई सिस्टम, वर्क डन बाई गैस हो रहा है ना। तो T प्लस वन पर वॉल्यूम क्या है, V2 है, और T टेम्परेचर वॉल्यूम है V1, है ना। तो हम ये कह सकते हैं आइडियल गैस लगा सकते हैं बच्चों, यानी डेल्टा V के प्लेस पे हम लिख सकते हैं क्या, V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 लिख सकते हैं ये। अब ये P V2 माइनस V1 कैसे निकालेंगे, ये हम यूज करेंगे आइडियल गैस। तो फॉर वन मोल आइडियल गैस, वन मोल आइडियल गैस इक्वेशन, है ना, आइडियल गैस इक्वेशन, तो क्या आएगा बच्चों बताइए, आप पढ़े हो कि पी वी इक्वल टू क्या होता है, आर टी होता है ना। तो प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम अगर वी वन लेते हैं तो टेम्परेचर क्या रहेगा, टी रहेगा। एंड ये पहले केस के लिए है, जब टेम्परेचर टी प्लस वन होता है तो वॉल्यूम होता है वी टू, तो पी वी टू इज इक्वल टू कहेंगे आर टी प्लस वन, ये आपका हो जाएगा। आप पी वन पी वी टू माइनस पी वी वन कर दीजिए यहां से, मतलब हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो पी वी वन आर कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, तो टी प्लस वन माइनस टी, टी टी कैंसिल हो जाएगा, और यहां से पी कॉमन लेंगे तो वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू, यहां वन बचेगा तो आर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर आपका थर्ड बन जाएगा। तो पी वी टू माइनस वी वन का जो डिफरेंस आ रहा है वो आर की इक्वल आ रहा है, आर यहां पे यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट है फॉर वन मोल, तो यहां पर रखेंगे क्या, पी वी टू माइनस वी वन प्लेस पे आर, तो मैं लिख सकता हूं बाई इक्वेशन, मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर से सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड जहां पे पी वी टू माइनस वी वन है इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, आर। तो सी पी माइनस सी वी का जो डिफरेंस आता है बच्चों ये आता है आर, इसी को हम लोग कहते हैं मेयर्स फार्मूला, यही है मेयर्स फार्मूला। मेयर्स फार्मूला क्या है, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। आर क्या है इसमें बच्चों, आर है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट फॉर वन मोल, यहां पे वन मोल की बात की जा रही बच्चों, तो हम वन मोल लिख देते हैं, यही है गैस कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स, ठीक है, या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो आप इस डेरिवेशन को, बहुत ही शॉर्ट में डेरिवेशन है, आप इसे नोट कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में, तो नोट करिए वीडियो को पॉज करके। नोट कर लिया बच्चों, अब हम इसको इरेज करते हैं आपका, ठीक है, ओके, इरेज करते हैं। तो CP माइनस CV इक्वल टू R, यही है मेयर्स फार्मूला, और मेन हम इसी पर क्या करेंगे, बात करेंगे, थोड़ा इसको मॉडिफाई भी करेंगे हम, ठीक है। मॉडिफाई कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि यहां पे CP माइनस CV जो R है ये वन मोल गैस के लिए, कितने मोल गैस के लिए है, वन मोल गैस के लिए है, ठीक है, वन मोल गैस समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लिए, समझ गए होंगे, आगे हम बात करते हैं इस पर। तो ये CP माइनस CV इक्वल टू R मेयर्स फार्मूला है, यहां CP और जो CV है इनकी जो वैल्यू होगी वो वर्क के यूनिट फॉर्म में लेंगे, मतलब जो वर्क का यूनिट होता है जूल, तो CP और CV का जूल में ही यूज करेंगे हम लोग, किस में यूज करेंगे, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये जूल में होना चाहिए, ये किस में होना चाहिए, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये CP माइनस CV, CP और CV की वैल्यू हम लेंगे जूल में, तब ये फार्मूला यूज होगा। और जब CP और CV आर इन कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मतलब कैलोरी पर मोल पर केल्विन या कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस,
कैलोरी में अगर इसको यूज किया जा रहा है तो हम इसी फार्मूले को क्या करेंगे, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू लिखेंगे कैपिटल आर अपॉन जी, तब हम इसको ये यूज करेंगे। क्लियर है, जब सीपी आर सीवी, सीपी एंड सीवी आर इन कैलोरी, किसमें कैलोरी, यहां पे हमने सीएल लिखना चाहिए था, तो कैलोरी मोल इनवर्स कैलोरी इनवर्स में हो तो ये यूज करेंगे। यहां जे जो है जूल कांस्टेंट है, आप सबको पता होगा जूल्स कांस्टेंट, इसकी अपनी वैल्यू होती है 4.186, है ना, क्या होती है 4.186 जूल पर कैलोरी। ठीक है, मतलब वन कैलोरी में इतना जूल होता है, वन कैलोरी में इतना जूल, तो इतना 4.186 कैलोरी पर जूल हो जाएगा, है ना, जूल पर कैलोरी, सॉरी जूल पर कैलोरी। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, और राउंड फिगर में कभी कभी इसको हम 4.2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है वन मोल गैस, जब बात होगी वन मोल गैस की तो हम ये यूज करेंगे। तो आप लोग इसे नोट करिए, तो आपने यहां तक नोट कर लिया। अगर बच्चों ये वन मोल गैस में ना देकर के गैस का अमाउंट ग्राम में दिया हो, किसमें दिया हो, ग्राम में, तो फॉर वन ग्राम गैस, वन ग्राम गैस, गैस वन ग्राम में हो, तब स्पेसिफिक हीट होगा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू स्मॉल आर हो जाएगा, स्मॉल आर, ध्यान रखना इस बात को। यहां जो आर है ये भी गैस कांस्टेंट है, और ये सीपी माइनस सीवी कब यूज करेंगे, जब इसका ये कब यूज करेंगे, जब ये एसआई यूनिट में हो, मतलब जूल में हो। सीपी एंड सीवी आर इन एसआई यूनिट कह देते हैं, सीधा सीधा इसको हम एसआई यूनिट नाम दे देते हैं, यानी वर्क यूनिट में हो। और सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू हम आर बाई जे भी यूज करते हैं, ये भी यूज करते हैं, और ये तब यूज करेंगे जब सीपी और सीवी आर इन सीजीएस यूनिट, या आर इन, हाँ ठीक है, सीजीएस यूनिट मतलब कैलोरी में हो, कैलोरी पर मोल डिग्री, है ना, कैलोरी पर ग्राम में हो, इस तरह से, तो हम ये यूज करेंगे। आर जो है स्मॉल आर, ये भी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बट वन ग्राम गैस के लिए है, कितने ग्राम के लिए, वन ग्राम, और ये होता है आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई कैपिटल एम, ये होता है स्मॉल आर की वैल्यू, कैपिटल आर बाई कैपिटल एम। अब आर आपको तो पता ही है आर क्या है, है ना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो वाला आर 8.31, एम इसमें है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, गैस का मॉलिक्यूलर मास है बच्चों। ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं, और ये वैल्यू यहां पे आप डायरेक्टली पुट कर दीजिए, या स्मॉल आर की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लीजिए तब यहां पर रखिए, आप कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो आई होप ये आपको मेयर्स, ये सब क्या है आपस में, मेयर्स फार्मूला, ये भी मेयर्स फार्मूला है, सब मेयर्स फार्मूला है, ये वन मोल के लिए यूज होगा, ये वन ग्राम गैस के लिए यूज होगा, मेयर्स फार्मूला, ये सभी मेयर्स फार्मूला है सब, आप कुछ भी बता दोगे, लेकिन हाँ कंडीशन ध्यान रखना, अगर ये बताना है तो वन मोल गैस बताना है, और अगर ये बताना है तो वन ग्राम गैस बताना है, तभी ये आपका सही माना जाएगा। तो यही है सीपी माइनस सीवी का डिफरेंस, गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, और यही हमारा मेयर्स फार्मूला होता है, और इस पर हम करेंगे तीन न्यूमेरिकल, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स आपके कॉम्पिटिशन में पूछ सकता है, आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, आपको सीखना भी चाहिए। तो इस पर कैसे सॉल्व करेंगे वो हम अभी दिखा रहे हैं आपको, लेकिन अभी एक छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट इसी में है, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, हीट लॉस्ट और हीट गेन। अगर कोई सिस्टम गैस हीट, गैस मतलब सिस्टम हीट ले रहा हो या हीट दे रहा हो, तो उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पे और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, इसी में वो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, तो ये आप समझ चुके होंगे, है ना, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स है बच्चों,
तो थोड़ा केमिस्ट्री इसमें कम इन्वॉल्व कीजिएगा, कुछ चीज़ें केमिस्ट्री के इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं बट टोटली केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। हीट लॉस्ट हो या गेंड हो, हीट लॉस हो, लॉस और गेन बाय सिस्टम, सिस्टम का मतलब कोई गैस, ठीक है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन ये एन मोल गैस के लिए है, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, एन होगा। कांस्टेंट प्रेशर ये हीट क्यू इज इक्वल टू आएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू सीपी इनटू डेल्टा टी, या डीटी कर सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू एन सीपी डेल्टा टी। फिर एट कांस्टेंट वॉल्यूम की अगर बात की जाएगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट कितना होगा, एन सी वी डेल्टा टी, ये कितना टेम्परेचर राइज किया है, इंक्रीज किया है, डिक्रीज किया, वो डेल्टा टी आपका है, ये आपको पता ही है, तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो बहुत अच्छी बात है ना, अगर आप न्यूमेरिकल्स में नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ना दिया हो तो क्या करेंगे, गैस का मास दिया है और मॉलिकुलर मास दिया है तो क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको ये निकालना है n, तो क्या करेंगे, मास ऑफ गैस में डिवाइड कर देंगे मॉलिकुलर मास का, मॉलिक्यूलर मास, जो भी मॉलिकुलर मास मतलब एटॉमिक मॉलिकुलर वेट कह सकते हैं आप इसे, वो आप क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, और यहां से नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड आउट कर लेंगे इस फार्मूले से, और फाइंड आउट करके न्यूमेरिकल बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अभी आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर का यूज करते हुए, और इसमें हम एक आइसोबेरिक प्रोसेस का भी क्वेश्चन उठाएंगे, तो यहां तक आप, मैं चाहूंगा नोट करिए, पहले नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, नोट कर लिया, हम इसे इरेज करने जा रहे हैं, और याद रखना बच्चों सीपी हमेशा बड़ा होता है सीवी से, और आर हमेशा जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, ध्यान रखना इस बात को, और हम यहां भी अब इरेज करने जा रहे हैं और बात करेंगे क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने हम लाने जा रहे हैं, पहले इसको इरेज करेंगे, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को लिखने में टाइम लगेगा बच्चों, लेकिन मैं क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ बहुत ही जल्द, एरेस कर देते हैं पहले इसको, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे वीडियो को स्टॉप करके, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, है ना, तो इधर उधर की डिस्टरबेंस को बंद करिए आप लोग, लेफ्ट राइट जो भी आपके हैं उन सबको इग्नोर मारिए, है ना, और मूवीज़ को देखना बंद करिए अगर देख रहे हो तो। तो फिलहाल आते हैं टॉपिक पे, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक है, तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर अ गैस गिवन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज 6.85 कैलोरी मोल इनवर्स कैलोरीनर्स, कैपिटल आर इज इक्वल टू 8.31 जूल मोल इनवर्स कैलोरीनर्स एंड कैपिटल जी इज इक्वल टू 4.18 जूल कैल्विन कैलोरी इनवर्स। आपके सामने बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पूछा गया क्या, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट सी पूछा गया है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मतलब आपसे सी वी निकालने के लिए पूछा गया है, क्या निकालने के लिए, सी वी, ओके, क्या गिवन है, स्पेसिफिक हीट गिवन है कांस्टेंट प्रेशर पे, कितना है सीपी गिवन, कितना बच्चों 6.85 कैलोरी मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स, और आर गिवन है, जे गिवन है, कैसे निकालेंगे, मेयर्स फार्मूला होता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों होता है, तो कौन सा यूज करेंगे, जाहिर सी बात है क्वेश्चन में आर दिया है, जे भी दिया है ना, और स्पेसिफिक हीट कैलोरी में दिया, मैंने बताया था आप लोगों को भी जस्ट पहले,
तो कैलोरी में दिया तो कौन सा यूज करेंगे, आर बाई जे वाला यूज करेंगे, है ना। हमें चाहिए सी वी, तो सी वी ट्रांसफर करेंगे उधर और आर बाई जे इधर लाएंगे, तो सी वी इक्वल टू सी पी माइनस आर बाई जे। सी पी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6.85। माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 8.31 बाई 4.18। आप इसे सॉल्व करिए, देखिए मुझे सॉल्व नहीं करना है, आप लोग सॉल्व कीजिए। तो ये 4.1.98 समथिंग जाएगा, 1.988 समथिंग ऐसे ही। तो सॉल्व करेंगे तो 4.82 समथिंग आ जाएगा आपका, है ना। ये आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा यहाँ पे 15, तो 15 सॉल्व कर लिया, 4 point something आएगा, 15 गैस हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, यहाँ पे एक बच्चे का तो 17 गया 8 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 में से गया 4, ठीक है, 4.87 समथिंग आप मान लीजिए कैलोरी में आएगा, ये भी मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बच्चों हम लोग बहुत ही इस तरीके से, क्योंकि स्पेसिफिक पूछा डायरेक्टली, आप लोग समझ चुके हैं अगर पढ़े हैं अच्छे से तो, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इसको इरेज करेंगे, इस वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इरेज करते हैं इसको और सेकंड क्वेश्चन भी लेके आपके सामने आ रहे हैं, बहुत ही आसानी तरीके से आप इसे सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल आर बाई जे कैसे यूज किया आपने, क्योंकि इसमें आर दिया है, जे भी दिया हुआ है, और सी जो स्पेसिफिक हीट है वो आपका कैलोरी में आया हुआ है, ठीक है। तो आप आर बाई जे यूज कर सकते हैं, ये वहां पे मोल की बात की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं दे रहा हूं आपके सामने, तो बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ 1 gram ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी, एसटीपी पर कितना होगा डिफरेंस। एटॉमिक वेट दिया है हीलियम का 4 एंड जे इक्वल टू दिया है बच्चों 4.186 जूल कैलोरी इनवर्स, कैपिटल आर की वैल्यू 8.31 जूल मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स, ये आपका गिवन है। और कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को स्टॉप करिए और एक बार ट्राई कीजिए, बढ़िया से अच्छे से ट्राई कीजिए, हो सकता है आप लोग सॉल्व कर लें। बच्चों हीलियम कभी भी डबल नहीं होता, मतलब Hc2 नहीं होता, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन ये इनर्ट गैसेस हैं, तो सिंगल मॉलिक्यूल है, तो सिंगल मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक एटम वो तो मतलब एटम के फॉर्म में है, तो उसका एटॉमिक वेट गिवेन है। अगर ये मॉलिक्यूल होता O2 N2 Cl2 तो इसे हम मॉलिक्यूलर वेट कहते या मॉलिक्यूलर मास कहते। तो आपका जो ये एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम गिवेन है ना, ये मॉलिक्यूलर मास गिवेन है कितना, 4, कितना गिवेन है 4 m गिवेन है 4, और गैस कांस्टेंट गिवेन है, ये गिवेन है आपका। तो इस यहां पे 1 gram गैस की बात की जा रही है, तो 1 gram गैस में मेयर्स फार्मूला Cp - Cv = r, लेकिन ये कैलोरी में है, है ना, किसमें है, कैलोरी में है, और किसमें है, स्पेसिफिक हीट जूल पर कैलोरी पर ग्राम। क्या यूज करेंगे, दिमाग से सोचो, Cp - Cv = r लगाएंगे कि R/J लगाएंगे। जे दिया हुआ है ना, इसका मतलब R/J लगेगा, R/J लगेगा, और इस R की वैल्यू कितनी होती है, मैंने पढ़ाया है R/M होता है, ये वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो R/M रखेंगे, M into J आ जाएगा, और इस R की वैल्यू 8.31 अपॉन M की वैल्यू 4 इंटू जे की वैल्यू 4.186 रख के सॉल्व कीजिए, 0.49 समथिंग आ जाएगा बच्चों। ये आया किसमें, किसमें आया, कैलोरी मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स, इसमें आपका आंसर आएगा, क्योंकि क्योंकि जूल से जूल कट जाएगा, ये जूल से जूल कट जाएगा, क्या बचेगा, कैलोरी मोल इनवर्स, यही सब बचेगा। तो Cp - Cv का जो डिफरेंस आएगा 0.49 आएगा बच्चों, समथिंग कुछ और आ भी सकता है।
तो यही है क्वेश्चंस नंबर टू। सॉल्व कीजिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके। सॉल्व कर लिया बच्चों, तो हम करेंगे इसको इरेंस और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये भी है। तो अब आपको आर बाई जी समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना, समझ में आ गया है ना, कैसे यूज करेंगे। वन ग्राम था तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू स्मॉल आर, वही मोल होता मॉलिक्यूलर तो मोल्स वगैरह में सीपी माइनस सीवी इक्वल टू कैपिटल आर यूज करते सीधा सीधा, है ना। तो ऐसे मेयर्स फार्मूला का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा लॉजिक लगा करके, थोड़ा सा धीरे धीरे लॉजिक, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई जरूर कीजिए, जरूर ट्राई कीजिए, फिर इसके बाद आगे का इसका सोल्यूशन देखिए। ट्राई कर लिया, वीडियो स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया, ट्राई भी कर लिया, नहीं आ रहा होगा, है ना। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। हाँ, 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, O2, आर हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। यहां क्या दिया है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, याद करो वो दिन, हाँ, जो मैंने आपको सिखाया था, अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया हो कितना हीट गेन करेगा कितना हीट लॉस करेगा कैसे निकालेंगे। कहोगे सर क्यू इज इक्वल टू एन सी वी, क्या पूछा है, सी वी को सी पी हीटेड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एन सी वी डेल्टा टी लगा देंगे, अमाउंट ऑफ हीट निकालना है, लॉस किया है कि गेन किया है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होगा तो सी वी, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होगा तो सी पी। याद आया, हाँ याद आ गया, है ना, ठीक है। व्हाट विल बी चेंज द इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी, हीट लॉस, हीट गेन, कुछ कुछ दिमाग में आ रहा, क्या यूज करना चाहिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यस बच्चों यूज करना चाहिए। क्यों, इंटरनल एनर्जी की बात हो रही, हीट की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ वर्क भी मिलेगा, लेकिन वर्क क्या होगा, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है, जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा वॉल्यूम ना बढ़ेगा ना घटेगा, तो कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोबेरिक प्रोसेस। और आइसोबेरिक प्रोसेस बच्चों वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो हम कह सकते हैं एट वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट नो वर्क डन डब्ल्यू जीरो, डायरेक्टली बोल देता हूं मैं सीधा सीधा, कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं, डब्ल्यू जीरो, वर्क डन जीरो। जब वर्क डन जीरो तो अमाउंट ऑफ हीट लॉस हुआ या गेन हुआ, जो भी हुआ, गेन तो किया होगा ना, हीट लॉस तो नहीं कह सकते हम, टेम्परेचर राइज किया है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, हीट लिया है तो जो हीट लिया कहा जाएगा वो हीट, टेम्परेचर राइज करेगा मतलब अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो आपसे यही पूछा गया व्हाट विल बी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आपको निकालना है डेल्टा यू, और डेल्टा यू कैसे निकालते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना हीट दिया क्यू और उसमें जो वर्क डन हुआ वो लिख देंगे, माइनस कर देंगे, क्यू माइनस डब्ल्यू, वर्क डन तो जीरो है तो यहां क्यू माइनस जीरो, तो फाइनली डेल्टा यू कितना आएगा, जितना हीट गेन किया एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जितना हीट गेन किया वही चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, क्योंकि वर्क तो हो नहीं रहा है तो वर्क तो जीरो हो जाएगा, तो जितना क्यू है वही क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब आपको क्यू निकालना है, तो क्यू कहां से निकालिए, मैंने पहले लिख दिया है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, है ना, सीवी आपको चाहिए, डेल्टा टी निकाल सकते हैं, 20 माइनस 10 कर देंगे भाई, 10 से 20 हुआ है तो डेल्टा टी निकाल लेंगे आप लोग, तो चलिए क्यू निकाल लेते हैं।
तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है बच्चों? 5। सीवी कितना नहीं पता है, अभी निकाल लेंगे सीवी भी। डेल्टा टी 20 - 10 हो जाएगा, तो ये 10 आएगा, 10 - 50 सीवी आएगा। कितना आएगा? 50 सीवी। अब सीवी कैसे निकालेंगे? तो आपको मेयर्स फार्मूला भी पता है, CP - CV = R की R by J कौन सा यूज करें? R की R by J, R by J क्यों? क्योंकि आपको R जूल में दिया है और CP दिया है कैलोरी में, अच्छा नहीं लग रहा है। और जब अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे? R by J यूज करेंगे। R कितना है? 8.36 by J कितना होगा? 4.18। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा? ये 2 आ जाएगा। हमें CP चाहिए, CP तो दिया हुआ है ना, कितना? 8। तो यहाँ रखेंगे 8 - CV = 2, तो CV हमारा आ जाएगा 8 - 2 मतलब 6 आएगा, 6 कैलोरी मोल इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो CV कितना आया? 6। तो आप निकाल देंगे यहाँ पे 50 * 6 कितना आएगा? 300 कैलोरी आंसर आएगा। यही है आंसर, 300 कैलोरी। यही अमाउंट ऑफ हीट गेन करेगा और यही इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आएगा। तो उसका इंटरनल एनर्जी जो भी था, इंटरनल एनर्जी उसमें चेंजेस बदलाव कितना आया? 300 कैलोरी का बदलाव आ गया, चेंजेस आ गया। डेल्टा यू कितना हुआ? 300 कैलोरी। कोई शक? यही आपका आंसर हो गया। तो देखो लॉजिक है कि नहीं है, यहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? आइसोबेरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोबेरिक प्रोसेस। और आइसोबेरिक प्रोसेस में गलती बोल दिया क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस होना चाहिए, गलती से निकल गया, सॉरी। जहां भी आपने आइसोबेरिक बोला होगा, आइसोबेरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यहां पे आइसोकोरिक है। कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक, सभी को सॉरी, जहां भी हमने आइसोबेरिक बोला है सब जगह गलत है, आइसोकोरिक होगा। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो नो वर्क डन, कोई वर्क डन नहीं होगा। तो यहां तक आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन 0, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आपके लिए सफिशियंट है समझने के लिए, और क्वेश्चन भी आप लोग साइड बुक से करते रहिए, सॉल्व करते रहिए, मजा आएगा सॉल्व करने में मेयर्स फार्मूला के क्वेश्चन, और जिसमें इन्वॉल्व हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे इसके आगे के लेक्चर, थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 7 इसके बाद आएगा, उसमें बढ़िया सा टॉपिक लेके आएंगे, मज़ेदार टॉपिक और इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो। तो पढ़ते रहिए, मज़े से इंजॉय करते रहिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, है ना। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, प्रयास मनुष्य को पूर्ण बनाता है, परफेक्ट बनाता है बच्चों। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़े, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।